वम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान, जहां मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स टॉप, लेगी कुर्ता प्लाजो कुर्ते, वो भी नए नए डिजाइन में। एक बार अवश्य पधारें। बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह जिला अस्पताल के समय एक बच्चा चोरी होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद न केवल अस्पताल समय प्रबंधन में बल्कि पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक इस बात से अचंभित था और तुरंत ही जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले की जाँच पड़ताल अधिकारियों को आदेशित कर चालू की गयी, जिसके बाद स्वयं जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुँचे। वहीं इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगभग पूरी घटना के 2 घंटे बाद भी पुलिस प्रशासन को सीसीटीवी वीडियो उपलब्ध हो सके, जिससे बच्चा ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि सीसीटीवी वीडियो मिलने के बाद चंद घंटों में पुलिस के द्वारा बच्चे को बरामद कर लिया गया और बच्ची को बरामद कर उसकी माँ के हवाले किया गया, जिसके बाद रोती बिलखती माँ के चेहरे पर खुशी सामने आई है। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक का इस संबंध में पूरे मामले में क्या कहना है, वह क्या कहना है आपका सुन रहे हैं। बच्ची आपको मिल गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या हुआ तब? कुछ नहीं, सो रहे थे, पता नहीं कैसे। पहचानते हो आप उस महिला को? हाँ, महिला को पहचानते, मतलब पहचान लेंगे, दिख जाएगी। वो कह रही उसकी बच्ची है इसमें? आप नहीं, उसकी नहीं है, मालूम है। पहचान गई आप उसको? ये बच्चा है, यही लेके आई तो सब लोग इस पर क्यों कह रही है उनको? ये आज की डिलीवरी का बच्चा तो नहीं लग रहा भाई। कितने किलो का हुआ था? 3 का बोल रहा था। कहाँ पे हुआ था? तो चंदा जैन अस्पताल कैसे पहुंच गई? तुरंत ही उनने भेज दिया कि आप चले जाओ। नहीं तो सरकारी अस्पताल से उनने छुट्टी दे दी थी आपको? कौन सी सिस्टर ने? नाम क्या बताया पूरा आपने? लक्ष्मी सेन। पति का नाम? जांच की बात की गई है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी जांच नहीं। देखिए, जब भी ऐसा कोई बात सामने आती है तो तत्काल उस पर जांच भी की जाती है और कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या निकल करके आई है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके यहाँ पर आते हैं रात के समय में कई बार, और वो फिर लोगों को परेशान करते हैं। एक समस्या ये बड़ी सामने आई है। दूसरी बड़ी चैलेंज ये सामने आया है कि एक मरीज के साथ कई सारे अटेंडर्स आ जाते हैं और वो फिर सभी लोग कहते हैं कि हम भी अंदर जाना चाहते हैं। ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कि थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होती है। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पर कुछ आदतन लोग हैं जो डेली या हर दूसरे तीसरे दिन जो है अस्पताल में एडमिट होने के लिए आते हैं। वो केवल इसलिए आते हैं कि ताकि उनको यहाँ का भोजन मिल सके और यहाँ पर वो आराम से रात भर रह सके। तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में ये स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा कि मरीज के साथ अधिकतम एक अटेंडर ही आए, उसकी व्यवस्था हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। मैंने बताया आपको कि सीसीटीवी, आज जैसे ये बच्ची को रेस्क्यू किया गया है तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज बहुत व्यवस्थित रूप से मिल गए और उस कारण से बड़ी मदद मिली कि वो बच्ची रेस्क्यू हो पाई समय पर। तो और उसको सर, इस मामले में एडिशनल SP खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने लगभग 2 घंटे के बाद उनको CCTV फुटेज भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे जहाँ पर बच्ची भर्ती थी। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सभी लोग, जैसी घटना का पता चला
हमारी पुलिस की टीम, हमारे SDM सभी लोग यहाँ पर आ गए और CCTV कैमरे के जो फुटेज थे वो मिल गए और मिलने के बाद तत्काल पहचान करके किस जगह पे गई और उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई। तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हो गई और नो डाउट ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटते। ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल, लेकिन किसी भी हमारी टीम ने तत्परता में कोई कमी नहीं रखी। सर लगभग 2 घंटे बाद भी जो अस्पताल प्रबंधन बता रहे हैं कि वो वही बच्ची है, क्या पता चला सर? हाँ। ID थोड़ा नीचे कर लो सब लोग। हाँ। चलो बोलो कुछ दिन ID के सर बोलिए। एक बालिका जो जिसका जन्म पथरिया में हुआ था वो यहाँ पर, उसको फीवर था इसके कारण यहाँ पर उसको लेकर के आए थे और उसको चोरी होने की घटना सामने आई थी दोपहर के बाद। तो उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे CCTV फुटेज निकाले यहाँ पर और हमारे SDM, हमारे SDOP, हमारे SP साहब सभी लोग तत्काल उसमें लग गए थे काम में और उसी का परिणाम है कि पुलिस प्रशासन की तत्परता का कि वो बच्ची सकुशल जो है उसको सुरक्षित रूप से ले आया गया है और डॉक्टर्स ने उसके सभी वाइटल्स भी चेक कर लिए हैं। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अब अपनी माँ के पास है और अब उनका परिवार मतलब अब उनको जो है संतुष्टि मिली है कि वो आ गई है बच्ची। और इसी कारण से और अभी आज सुबह भी CS मैडम ने भी रिव्यू किया था, जब कलकत्ता की घटना हुई उसके बाद से सभी अस्पतालों में सुरक्षा आदि की व्यवस्था को लेकर के, तो हमारा और SP साहब का आज प्लान भी था कि हम लोग आज हॉस्पिटल को देखने के लिए आएंगे। तो मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पर हमारी डिस्कशन हुई है। पहला तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की बात है, दूसरा CCTV कैमरों को और व्यवस्थित रूप से वो युक्ति करने की बात है और तीसरा लाइट व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे कैसे। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पूरा कैंपस घूम करके देखा है। इसके अलावा हमने यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स सभी से चर्चा भी की है, तो कुछ सॉल्यूशंस जल्दी ही निकाल रहे हैं और आपको आगे पता चलेगा। 1-2 दिन के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास शुरू करें। सर ये वही बच्ची है? हाँ ये वही बच्ची है। सर लगातार अस्पताल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अन्य लगता पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर लगातार अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये बच्ची जो है वो चोरी हुई है? वही बच्ची केसेस में वो बच्ची को ले जाते हुए दिखी। दूसरी बात ये कि जहाँ पर उसको जिस ऑटो वाले ने उतारा उसने इस बात की तस्दीक की है कि वो बच्ची को यहाँ से लेकर आई है। इसके बावजूद भी बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, DNA प्रोफाइलिंग है, फोटोग्राफी है, बच्चे के मार्क्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, जिनके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्ची उसकी नहीं है, बच्ची इन्हीं पेरेंट्स की है। और ये चीज़ अभी माँ बाप ने पहचान के भी तस्दीक कर दी है कि ये बच्ची उन्हीं की है और अभी वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ है और सकुशल है। सर जो पड़ोसी है वो ऑटो में लेके आया था, उसने कहा था ये महिला गर्भवती थी, दोहराव की स्थिति बन रही है, कैसे पुष्टि करेंगे इस बात की? महिला से अभी जो प्राथमिक रूप से बात हुई है उसमें ये पता लगा है कि उसका गर्भ जो था वो अभी डिलीवरी के दौरान जो है वो बच्चे की डेथ हो गई थी। परिवार में उसने ये बताया कि ये बच्ची उसने जन्मी है और ये बच्ची उसी की है और जो CCTV फुटेज में हमें चीज़ें दिख रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो महिला बच्ची को यहाँ से लेके एक दूसरी जगह पर गई है और वहाँ पे एक अपने परिवार के लोगों से मिली है, फिर वो पूरा परिवार कहीं और गया है। तो ये चीज़ तो अभी कंफर्म हो गई है कि महिला ये वही है जो बच्ची को लेके यहाँ से भागी है। महिला का जो वर्जन है हम उसकी बात जांच फिर से अभी कर रहे हैं। जो पुरुष उसके साथ दिखा है उसको भी हमने थाने पर बुला लिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। पूरी पुलिस की टीम ने लगभग 4 घंटे में 150 से ज़्यादा कैमरे देखे हैं। मैं पूरी टीम की इसमें सराहना करना चाहूँगा कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को इतने कम टाइम में इन लोगों ने सुलझाया है और ये छोटे से बच्चे के गायब होने का दर्द जो माँ बाप झेल रहे थे वो हम सब के दिल में था। होपफुली ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कल्मिनेट हो गई है, तो मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम को जो है वो शाबाशी देता हूँ और इसमें मैंने अभी तुरंत ही मैंने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है जो टीम को बांटा जाएगा। सर बच्चे के बाद इस मामले की पुष्टि करने के लिए क्या इस बच्चे के DNA टेस्ट कराएंगे? फिलहाल अभी बच्ची की जो माँ है और जो बच्ची को महिला लेके गई थी उनके बयान को हम चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस चीज़ से हम मुकर नहीं रहे। अभी आप क्या मानते हैं, बच्ची वही है जो चोरी? हाँ ये बच्ची वही है। बच्चे के पिता ने बोला था कि ये बच्ची वो नहीं है वहाँ पर देखने के बाद? नहीं, ये बच्ची को जब वो लेकर आए हैं यहाँ पर और फीडिंग कर रहे हैं तो माँ ने भी पहचाना है और बाप ने भी पहचाना है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन अगर ये जैसे ये बात आप लोग बार बार कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो डीएनए प्रोफाइलिंग करने में हम पीछे नहीं हटे। सर, 3 से 4 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने इस गुत्थी को सुलझाया है कि किस तरीके से रणनीति बनाई थी एकदम अचानक से जो जिस तरीके से हालात बनी। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसी चीज़ पर फोकस किया कि जो CCTV फुटेज हैं उससे उस महिला की शिनाख्त की जाए कि जो बच्चों को लेके गई है, बच्चे को लेके गई वो कहाँ गई है। और आम तौर पर इस तरह की घटनाओं में CCTV का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और लकीली हॉस्पिटल कैंपस के अंदर और जहाँ कहीं भी वो महिला बाहर जाती हुई दिखी है हमें फुटेज मिलते गए और हमने उसको फॉलो कर लिया है। इसके अलावा जो हमारी टीम थी उसमें लोग एक्सपर्ट हैं कैमरे देखने में, कुछ लोग उनको लगाया गया था कि उनको पता होता है कि किस टाइम फ्रेम में किस तरीके से वो फुटेज देखनी है और आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एफर्ट था पूरी टीम का और जो बच्चे को सफलतापूर्वक लेके आया। सर, पूरी घटना क्या है? ये जो महिला थी ये पथरिया में इसने बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो बच्ची को यहाँ पर चेक करवाने के लिए लेके आई थी। ऑब्जर्वेशन के लिए डॉक्टर ने उसको भर्ती किया है। ये जो दूसरी महिला जिसने बच्चे को चोरी किया ये उसके पास आई, उसने उससे बातचीत की और थोड़ी देर तक उसको ये बातों में उलझाए रखी थी कि वो महिला कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाए और बच्चे को अपने साथ ले जाए। पर वो महिला वहाँ से नहीं गई। थोड़ी देर बाद वो महिला वहाँ सो गई। जब महिला सो के उठी तो बच्ची और वो महिला दोनों गायब थे। उसके बाद हमने कैमरे चेक करवाने शुरू किए। कुछ लोगों से सूचना आई कि वो महिला जो है हॉस्पिटल के बाहर निकल चुकी है। कैमरे चेक करवाए, हमने बैक ट्रैक किया। वो महिला एक दूसरी नर्सिंग होम के पास मिली जहाँ उसको एक फैमिली मिली। वो फैमिली के साथ वो बच्चे को लेके तीसरी जगह गई। वहाँ पर जब पहुँचे तो वो ऑटो वाला जो उनको लेके गया था उसने लोकेशन क्लियर की और वो महिला और वो बच्ची उस घर में मिल गई। तो मुझे लगता है कि अच्छा एफर्ट था एक और एक बहुत अच्छी एक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ये कल्मिनेशन थी कि हमने बच्ची को माँ से मिलवा दिया है। माँ बाप अभी संतुष्ट हैं। हमारा ये मानना है कि माँ बाप अगर संतुष्ट हैं और वो मान रहे हैं कि बच्ची उनकी है, ये उन्हीं की पैदाइश है, तो फिर उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इसमें सवाल उठता है कि जो महिला इस बात को कह रही है कि ये बच्ची उसकी है, ये उसको प्रूव करना है कि उसकी वो प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, और बच्ची उसकी है तो फिर कैसे है? किन कारणों से बच्चे को चोरी किया गया? अब उसने ये बताया कि वो बच्ची वो प्रेग्नेंट थी महिला और वो उसकी बच्ची की डेथ हो गई थी और उसने परिवार में लोगों को बता रखा था कि उसकी बच्ची हुई है, तो वो इस बात को छुपाना चाह रही थी। एक तरीके से एक फेक डिलीवरी का केस है। अब इसमें हम आगे और जाँच कर रहे हैं और हम इसकी लीगैलिटीज़ भी देख रहे हैं कि इसमें हम क्या लीगल एंगल के अंदर केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो महिला भी किसी तरीके से एक मानसिक रूप से प्रताड़ित लग रही है। वो दुख में है, दर्द में है अपने बच्चे के मरने के बाद। तो इन दोनों चीज़ों को हम मद्देनजर रखेंगे और फिर केस आगे दर्ज करेंगे। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए क्या? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मैं और कलेक्टर साहब आज इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे कि हम अस्पताल में सबसे पहली चीज़ जो है मरीज़ों की सुरक्षा के लिए, दूसरा यहाँ के स्टाफ की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने 3-4 लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की है। जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी है उसके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो यहाँ के हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके लिए क्या निर्देश हैं। शराब पी के आने वालों के लिए क्या करना है। जो एक से अधिक लोग आ जाते हैं अटेंडेंट बनके उनके लिए क्या करना है। कितनी एंट्रीज हैं, कैसे हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड को सेग्रीगेट करना है, इन सभी के बारे में एक हॉस्पिटल का सिक्योरिटी ऑडिट होगा और एक हमारा सिक्योरिटी ऑडिट होगा। उसके बाद दोनों को मिला के हम एक सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे और मुझे लगता है कि हम 3 से 4 दिन में इस चीज़ को पुख्ता रूप से यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। थैंक यू।